प्रवीण और आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार विस्तार से। इस बात से इसका प्रेस का महत्व पता लगता है। मुझे स्पेशली नैनीताल जनपद का प्रेस मैं ले रहा हूँ, उसके लिए मैंने रामनगर को चुना। सरकार क्या कर रही है उसको अगर ढंग से सोचेंगे तो सरकार वो कर रही जो आज तक की सरकारों ने नहीं किया। लेकिन विपक्ष के लिए ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो रोल होता है विपक्ष का वो रोल कर रहे हैं। अब हमने जो भी काम किया उसको उल्टा कहना है। वैसी कृषि नीति में खुद लोकसभा के चुनाव में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम आएंगे तो ये कानून लागू करेंगे, नहीं लिखा तो उन्होंने अब लागू कर दिया, हमने तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया। ऐसी चिकित्सा सुविधाओं में हमारे पास बहुत सीमित बेड थे, आईसीयू थे और टेस्टिंग के वो थे। आज भरपूर मात्रा में हमारे पास बेड हैं, आईसीयू हैं और टेस्ट करने का जो कार्यक्रम है टेस्टिंग का बहुत अच्छे ढंग से हम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या लगभग दूनी कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे ताकत से कोरोना के लिए लड़ रहे हैं। उत्तराखंड में सुविधा नहीं मिल पाई वो कह रही ना, इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि हल्द्वानी से उठा के हेलीकॉप्टर से हम मैक्स ले गए, वहाँ से उन्होंने कहा हम उसमें क्या है वो अस्पताल सर्जिकल कुछ है वो उस अस्पताल में ले गए, उन्होंने कहा वहाँ भर्ती करो और उसके बाद उन्होंने कहा हम वेदांता जाना चाहते हैं तो वेदांता भर्ती कर दी। इससे ज़्यादा और क्या करते, अच्छी सुविधा लेने सभी जा सकते हैं, किसी को वो दिल्ली वाले अस्पताल को खाली थोड़ी खुले हुए, जो सुविधा जहाँ लेना चाहता वहाँ जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी इसके लिए कुछ कह सकना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कोरोना अभी अपनी चरम सीमा पर भी नहीं पहुँचा, बढ़ी रहा रोज बढ़ रहा, तो अभी कुछ कह पाना कि कितना खतरा है ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन विद्यालय के लिए विचार हो रहा है, विचार कर रहे हैं कि खोले जाए, कैसी होती है देख के कर। देखिए पहले 4 दिन का सत्र रखा गया था, फिर 3 दिन कर दिया गया, लेकिन कोरोना की जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं उसको देखते हुए 1 दिन का कर दिया गया, प्रश्नकाल खत्म कर दिया गया है। पूरा दिन जो है लोगों के जो बिल हैं जो सरकारी बिल हैं वो सब आएंगे और जो भी समस्याएं हैं वो आज। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कृषि मंत्री जी ने जिस प्रकार से देश के किसानों के हित में फैसला लिया उसके लिए हम पूरे देश की ओर से किसानों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का कृषि मंत्री जी का आभार प्रकट करें। और जो कुछ भ्रम की स्थितियाँ कांग्रेस और अन्य दल पैदा कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि साहब इससे मंडियां समाप्त हो जाएंगी, सपोर्टिंग प्राइस समाप्त हो जाएगा, उसको हम क्लियर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि ये बिल्कुल भ्रम फैलाने की बात है, ये सत्य से परे है और मंडी अपनी जगह काम करेगी और जो MSP है सपोर्टिंग मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस वो अपनी जगह काम करेगा। इसका उद्देश्य केवल काश्तकार जो बिचौलियों के बीच में फंस जाता था उसको दूर करने का है। इसके लिए हम याद प्रेस करके अपने सम्मानित किसानों का भ्रम